नमस्कार, मैं अंकुर वाजपेयी और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश के हाथरस में रहने वाली 19 वर्षीय दलित युवती के शव को पुलिस द्वारा जबरन दाह संस्कार करने के बाद अब पुलिस और प्रशासन पर पूरे मामले की सच्चाई छुपाने के आरोप लग रहे हैं। युवती ने मरने से पहले अपने आखिरी बयान में बलात्कार का आरोप स्पष्ट रूप से लगाया था, लेकिन पुलिस अब यह कह रही है कि युवती के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं था। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का यह वीडियो दिखाते हैं, देखिए। जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस वीडियो में यह साफ साफ कहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि बलात्कार नहीं हुआ था और युवती की मौत गर्दन में आई गंभीर चोटों की वजह से हुई थी। उन्होंने कहा है कि सैंपल की जांच में शुक्राणु नहीं पाए गए थे। प्रशांत कुमार ने यह भी आरोप लगाया है कि इसका मतलब यह है कि गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए यह बातें फैलाई गई हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पुलिस ने खुद बताया था कि सैंपल 25 सितंबर को लिए गए थे, यानी कथित बलात्कार होने के 11 दिन बाद। जानकार पूछ रहे हैं कि इतने दिनों के बाद किस उम्मीद में सैंपलों में शुक्राणु की तलाश की जा रही है। एक ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि कानून के अनुसार सिर्फ शुक्राणु न मिलने से बलात्कार आरोप को खारिज नहीं किया जा सकता है। कई जानकारों ने यह भी कहा है कि आईपीसी की धारा 375 में 2013 में हुए संशोधन के बाद यह भी तय हो गया था कि सिर्फ शुक्राणु का ना मिलना या लिंग का पेनिट्रेशन ना होना ही बलात्कार नहीं है, उसकी कोशिश करना भी बलात्कार है। तीसरा सवाल हमारा यह है कि पुलिस और प्रशासन से यह पूछा जा रहा है कि अगर बलात्कार नहीं हुआ था तो पुलिस ने पीड़िता के शव को उसके परिवार की स्वीकृति के बिना परिवार के गैर मौजूदगी में आधी रात में जबरन जला क्यों दिया गया था। हालांकि अब इस मामले में न्यायपालिका ने भी एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। 12 अक्टूबर को इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और अदालत ने उस दिन सुनवाई के दौरान गृह सचिव, डीजीपी, एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट और पीड़िता के परिवार के किसी भी सदस्य को उपस्थित करने का आदेश दिया गया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।